राहुल गांधी पर किया गया कमेंट चर्चा में है। गैरी ने एक्स पोस्ट में लिखा, नियम ये कहता है कि आपको टॉप पोजीशन के लिए चैलेंज करने से पहले रायबरेली से जीतना चाहिए। हालांकि बाद में उन्होंने एक और पोस्ट में लिखा कि मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा ये छोटा सा मजाक भारतीय राजनीति में एक्सपर्ट के तौर पर नहीं देखा जाएगा। गैरी ने यह भी लिखा कि मुझे 1000 आंखों वाला मॉन्स्टर कहा जाता है, इसलिए मैं अपने पसंदीदा खेल में एक राजनेता को हाथ आजमाते हुए देखना नहीं भूल सकता। राहुल गांधी लोकसभा 2024 चुनाव में वायनाड और रायबरेली सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने 3 मई को ही रायबरेली से नामांकन दाखिल किया है। बात अगर गैरी की करें तो शतरंज के वर्ल्ड चैंपियन ने 2005 में संन्यास ले लिया था। गैरी का तंज एक्टर रणवीर शौरी की एक पोस्ट के जवाब में आया। दरअसल रणवीर ने मेघालय में राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का एक वीडियो क्लिप शेयर किया था। इस वीडियो में राहुल एक शख्स से अपने हाथ पर फोन रखने के लिए कहते हैं। जैसे ही वह शख्स फोन रखता है, वह झटके में गिरा देते हैं। इस पोस्ट में रणवीर ने कैप्शन में गैरी को टैग किया और लिखा, बहुत ही बढ़िया, लेकिन गैरी क्या आप इस चाल को संभाल सकते हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी रायबरेली से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद उन्हें राजनीति और शतरंज का महान खिलाड़ी बताया था। इस पर एक यूजर ने लिखा, गैरी और विश्वनाथ आनंद बहुत ही जल्द रिटायर हो गए, हमारी चिंता खत्म हो गई क्योंकि उन्हें हमारे समय के महानतम शतरंज खिलाड़ी से नहीं टकराना पड़ा। इसी पोस्ट के जवाब में गैरी ने एक्स पर जवाब देते हुए लिखा, नियम यही कहते हैं कि टॉप पोजीशन को चैलेंज देने से पहले आपको पहले रायबरेली से जीतना चाहिए। इसके बाद उन्होंने एक और पोस्ट में लिखा कि उम्मीद करता हूं कि मेरे इस छोटे से मजाक को भारतीय राजनीति में एक्सपर्ट के तौर पर नहीं देखा जाएगा। इसी के साथ बने रहे एशियन न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।